असलम वेलकम बैक स्टूडेंट्स बट इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबलिटी खत्म किया था अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास चार डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल हाइपर जोमेट्रिक पॉजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर जोमेट्रिक इसटली कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी तो हम हाइपर जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस नहीं करेंगे और उसके सवाल भी यहाँ नहीं है वो ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी के नाम पे पुट हो चुके हैं तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन है तीनों की कंडीशन देखेंगे कि किस सवाल में कौन सी चीज़ अप्लाई होती है और कब अप्लाई होती है ठीक है बेटा तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन नंबर वन थ्री डाइज आर रोल टूगेदर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ थ्री ऑन एटलीस्ट वन ऑफ दी थ्री डाइज सही मैंने बताया हुआ बेटा दो से ज़्यादा डाइज अगर रोल हो रहे हों और पोजीशन स्पेसिफाइड ना की हुई हो तो हमेशा क्या अप्लाई करना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो इसमें उसने तीन डाइज रोल किया और उसने बोला प्रोबेबलिटी ऑफ रोलिंग अ थ्री ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री डाइज सॉल्व करते हैं इसको बेटा क्वेश्चन नंबर वन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर वन थ्री डाइज आर रोल्ड सवाल बाइनोमियल का है तो बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है एन सी एक्स इंटू पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सैम्पल्स पी रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्यू रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड एक्स रिप्रेजेंट्स रिक्वायरमेंट और सक्सेस जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है रिक्वायरमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसका सक्सेस होता है और दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है फेलियर थ्री डाइज आर रोल्ड है तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई थ्री सवाल में उसने बोला है कि एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा एटलीस्ट वन ऑफ दी डाइस यानी थ्री आना चाहिए एटलीस्ट वन ऑफ दी डाइस में तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू हो गई वन और मोर देन वन तो एक्स की वैल्यू वन से लेकर कहाँ तक हो गई थ्री तक हो गई ये एक्स आ गया बात चल रही है किसकी बेटा बात चल रही है थ्री की तो बेटा एक डाई में थ्री की प्रोबेबिलिटी क्या होती है वन अपॉन सिक्स तो क्यों क्या हो जाएगा फाइव अपॉन सिक्स अब हम फॉर्मले में पुट कर देंगे फॉमुला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला में लिख देता हूँ एन सी एक्स इंटू पी पावर एक्स इन क्यू पावर एन माइनस एक्स एन की जगह हम थ्री पुट करेंगे पी की जगह वन अपॉन सिक्स पुट करेंगे क्यू की जगह फाइव अपॉन सिक्स पुट करेंगे एक्स की जगह हम एक्स ही रखेंगे और वो समेशन वाले साइन से हम सवाल को सॉल्व कर देंगे जो हम लिमिट लगाते थे इस तरीके से समीशन और यहाँ हम एक्स की वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ लोअर लिमिट आ जाएगी विच इज़ वन और यहाँ अपर लिमिट आ जाएगी विच इज थ्री और यहाँ बेटा हम ब्रैकेट में लिख देंगे थ्री सी एक्स मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन सिक्स होल पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव अपॉन सिक्स होल पावर थ्री माइनस एक्स ठीक है बेटा तो इस सवाल में मैं ये ए, समेशन वाली साइन का लिख के दे रहा हूँ तो नेक्स्ट से मैं सिर्फ डेटा लिखूंगा वो हमें फॉर्मूले में पुट करना है अगर बाइनोमियल है तो बाइनोमियल के फॉमले में पॉइजन है तो पॉइजॉन के फॉर्मले में ठीक है तो बेटा क्लियर है ये चीज़ नेक्स्ट पे आए सेकेंड क्वेश्चन इज स्टोरिकल डेटा शोज डेट स्टार फुटबॉल क्लब टीम लूजेस नाइन परसेंट ऑफ इट्स मैचेस एवरी सीजन द प्रोबेबिलिटी डेट एस एफ सी विल लूज एक्सैक्टली वन ऑफ इट्स नेक्स्ट फाइव मैचेस फिर सवाल में बेटा हमारे पास दो इवेंट्स की बात हो रही है और क्रिकेट मैचेस मैंने बोला था बेटा डाइस कॉइंस मोर देन थ्री कॉइन्स मोर देन टू डाइस इसके बाद क्रिकेट मैचेस वोटिंग वाले सवाल एम के सवाल इन पांच में तो हमेशा क्या अप्लाई कर देना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कोई देखने की ज़रूरत नहीं है कंडीशन बायनोमियल डायरेक्ट अप्लाई होगा हाँ इसके अलावा बायनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि सवाल में पॉपुलेशन नहीं गिवेन होगा सही है सवाल में जो इवेंट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे दो इवेंट्स होंगे ठीक है बेटा सक्सेस होगा और फेलियर होगा और सैम्पल्स जो है वो ट्वेंटी या ट्वेंटी से क्या होंगे लेस होंगे ठीक है बेटा तो इसमें बाइनोमियल हम अप्लाई करेंगे क्योंकि क्रिकेट मैच वाली कहानी है या फुटबॉल मैच वाली कहानी है सही है नाइन परसेंट लूज के चांस है तो नाइन्टी वन परसेंट विन के चांस है द प्रोबेबिलिटी डेट टीम विल लूज एग्जैक्टली वन ऑफ इट्स नेक्स्ट फाइव मैच एग्जैक्टली वन है तो फिर समेसन का काम भी नहीं आएगा नेक्स्ट फाइव मैचेज हैं यानी टोटल हम मैचेस कितने खेल रहे हैं पांच मैचेस खेल रहे हैं और लूज की बात की है उसने तो इसका मतलब सक्सेस हो गया लूज तो बेटा हम चले जाएंगे सोल्यूशन पे क्वेश्चन नंबर टू एन की वैल्यू हमारे पास हो गई पांच मैचेस एक्जैक्टली एक हमें हारना है तो पी आ जाएगा लूजिस का विच इज नाइन परसेंट और क्यू आ जाएगा नाइनटी वन परसेंट नाइन ठीक है बेटा फॉमले में पुट कर देंगे एन सी एक्स इंटू पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स उसमें समिशन वाली साइन लगाएंगे नहीं क्योंकि एक्जेक्टली exactly की रिक्वायरमेंट है तो समीशन वाली साइन हम मोर देन लेस दैन एटलीस्ट एट मोर्स यानी रेंज वाली चीज़ों पे हम अप्लाई करते हैं ठीक है फॉमले में पुट कर देंगे फॉर्मले में फिर पुट कर देते हैं चले फाइव सी वन इंटू नाइन परसेंट पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय नाइन्टी वन परसेंट पावर फाइव माइनस वन विच इज़ फोर कैलकुलेटर में पुट कर देना आंसर आ जाएगा बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री दी बी पी ए बी एक्स सिस्टम ऑफ सलीम इंडस्ट्रीज रिसीव एन एवरेज ऑफ टू कॉल्स इन एवरी थ्री मिनट्स एवरेज देख लो भाई टू कॉल्स इन एवरी थ्री मिनट्स कहाँ गया हमारा ये ठीक है भाई एज्यूमिंग एन approximate पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सवाल में लिख दिया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वॉट इज द प्रोबेबिलिटी that फाइव और मोर कॉल्स विल बी रिसीव्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ नाइन मिनट्स पहले तो बेटा हमारे पास जो मीन गिवन है वो हमारे पास गिवन है थ्री मिनट्स का और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारी रिक्वायरमेंट कितने मिनट्स की हैं नाइन मिनट्स की है तो सबसे पहले तो हम मीन को चेंज करेंगे नाइन मिनट्स पे ले जाएंगे तो टू कॉल्स इन थ्री मिनट्स और रिक्वायरमेंट नाइन मिनट्स की है तो हम मीन को तो पहले चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री मीन हमारे पास हो जाएगा टू कॉल्स इन थ्री मिनट्स और न्यू मिनट्स हमारे पास नाइन है तो मीन हमारे पास क्या हो गया सिक्स मीन का काम तो हुआ ख़त्म ठीक है भाई अब रिक्वायरमेंट में उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फाइव और मोर कॉल्स विल बी रिसीव फाइव और मोर कॉल्स का मतलब हो गया हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो गई फाइव और मोर का मतलब एक्स की वैल्यू फाइव से लेकर इंफिनिटी क्योंकि पॉइजॉन में कोई भी लिमिट नहीं होती वो इंफिनिटी तक जाता है तो हम उसको सॉल्व कर नहीं सकते उसके लिए हमें मजबूरन क्या अप्लाई करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट इवेंट अप्लाई करना पड़ेगा एक मिनट सही बेटा तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट हमें अप्लाई करना पड़ेगा पॉइजॉन का फॉर्मला पहले मैं लिख देता हूँ पॉइजॉन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा पी इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस म्यू यू इन टू म्यू पावर एक्स पॉन फैक्टोरियल ये पॉइजॉन का फॉर्मूला है अब मुझे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है तो नॉर्मल सिनेरियो में तो फाइव से लेकर इन्फिनीटी तक आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट में कहाँ से कहाँ तक आएगा जीरो से लेकर फोर तक तो बेटा हम वन माइनस समेशन का साइन ओपन करेंगे यहाँ रखेंगे जीरो और यहाँ रखेंगे हम फोर और इधर हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे ई पावर माइनस सिक्स इंटू सिक्स पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल कैलकुलेटर में पुट कर देंगे एज इट इज वन माइनस करके क्योंकि कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर रहे हैं और फाइव और मोर बोला है तो फाइव भी इंक्लूडेड है तो कॉम्प्लीमेंट में फाइव नहीं आएगा बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इट इज एस्टिमेटेड डेट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द कॉलर्स टू अ डिपार्टमेंट विल रिसीव अ बिजी सिग्नल प्रोबेबिलिटी गिवन है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट जो बिजी सिग्नल मिलेगा यूजिंग पॉइन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड कॉलर एट लीस्ट टू विल रिसीव अ बिजी सिग्नल्स बारह सौ कॉलर्स हमने पिक किए हैं यानी एन की वैल्यू ग्रेटर देन ट्वेंटी हो गई प्रोबेबिलिटी पाँच परसेंट से बहुत ज़्यादा कम है सही है तो इसका मतलब है सवाल में हम पॉइज़न अप्लाई करेंगे और लिख भी दिया है उसने पॉइज़न अप्लाई करेंगे बेसिकली बेसिकलीमेशन का सवाल है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे मीन तो एन को हम बेटा किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे जीरो पॉइंट फाइव परसेंट से हमारे पास क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर फोर यस क्वेश्चन नंबर फोर सबसे पहले तो हम फाइंड आउट कर लेंगे मीन और मीन का फॉर्मूला है एन मल्टीप्लाई बाई पी एन हो गया हमारे पास ट्वेल्व हंड्रेड एन पी एज जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ये मीन आप फाइंड आउट कर लेना ठीक है हो गया मीन फाइंड आउट इसके बाद बेटा हम जाएंगे यूजिंग पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन एटलीस्ट टू विल रिसीव अ बिजी सिग्नल एटलीस्ट टू का मतलब हो गया टू और मोर टू और मोर का मतलब है टू से लेकर इन्फिनिटी तक तो हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या उठाएंगे 0 से लेकर 1 तक फॉर्मूले में पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा जो भी मीन आए ये x है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक फॉर्मूला e पावर माइनस मी इंटू मी पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव फिर वोटिंग uh, वाली कहानी है अ टी चैनल कंडक्टेड अ पोल रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इन पाकिस्तान 75 परसेंट पीपल वर इन सपोर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 15 परसेंट वर अगेंस्ट एंड 10 परसेंट वर अनडिसाइडेड अ अफ टेन परसेंट इज टेकन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट थ्री विल सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन फिर सवाल वोटिंग वाला है तो सवाल में क्या अप्लाई होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल हमारे पास है टेन सही है सपोर्ट uh, की प्रोबेबिलिटी सेवेंटी फाइव परसेंट गेंस्ट फिफ्टीन अनडिसाइडेड टेन ठीक है तीन इवेंट्स हैं हमारे पास पर रिक्वायरमेंट में उसने सिर्फ सपोर्ट की बात की है तो बाकी सारे नॉट सपोर्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब हुआ हम बाइनोमिल अप्लाई कर सकते हैं रिक्वायरमेंट है, तो पी सेवेंटी फाइव परसेंट हो जाएगा क्यू ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा फाइव परसेंट टेन परसेंट हमने सेलेक्ट किया एटलीस्ट थ्री विल सपोर्ट दी कंस्ट्रक्शन तो क्वेश्चन नंबर फाइव का डेटा हम बना लेते हैं यहीं क्वेश्चन नंबर फाइव सबसे पहले तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई टेन सही है बेटा x की वैल्यू उसने बोला एटलीस्ट थ्री तो एटलीस्ट थ्री का मतलब थ्री से लेकर टेन तक पॉइजॉन नहीं है इसमें एक लिमिट होती है सैंपल हमने कितने सेलेक्ट किए टेन बात चल रही है सपोर्ट की तो p आएगा सपोर्ट का विच इज सेवेंटी फाइव परसेंट और q किसका आ जाएगा बेटा नॉट सपोर्ट का जिसमें अनडिसाइडेड भी है अगेंस्ट भी है ट्वेंटी फाइव परसेंट अब फॉर्मले में पुट कर देंगे समेशन के साथ थ्री से लेकर टेन तक की लिमिट लगा देंगे ठीक है बेटा क्लियर next question number 6 a selection a section of a tunnel is lit by 2000 electric bulbs which are kept burning day and night the manufacturer says that he, the lives of the bulbs are normally distributed with mean 820 and standard deviation 90 hours how many electric bulbs will be expected to for, fail before 1000 hours ठीक है बेटा सवाल किसका हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है सवाल में सबसे पहले मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन मीन हमारे पास 820 ट्वेंटी है स्टैंडर्डिएशन हमारे पास क्या है 90 ये पॉपुलेशन बेसिकली गिवन है इसका काम बाद में आएगा पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आ जाएंगे रिक्वायरमेंट में उसने बोला है फेल बिफोर थाउजेंड आवर्स यानी एक्स की वैल्यू हो गई लेस देन थाउजेंड ठीक है बेटा डेटा तो, तो बनी गया ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे पास सबसे पहले तो मीन हो गया एट ट्वेंटी स्टैंडर्ड एविएशन इज 90 एंड एक्स इज लेस देन थाउजेंड सबसे पहला काम करेंगे हम क्या फाइंड आउट करेंगे जेड तो हम जेड फाइंड आउट कर लेते हैं जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा सही बेटा तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई थाउजेंड माइनस मीन की वैल्यू हमारे पास है एट ट्वेंटी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज नाइंटी तो आई थिंक z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू सही है रिक्वायरमेंट किसकी है लेस देन की है लेस देन की रिक्वायरमेंट है, है तो हम कैलकुलेटर में सॉल्व करते थे आपको याद होगा हम स्टेट्स का मॉड ऑन करते थे फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे और डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास पी क्यू एन आर तीन चीज़ें लिखी हुई होती थी जिसमें पी जो लेस देन है वो पी के थ्रू होता था जो बिटवीन वाला है वो क्यू के थ्रू होता था और जो मोर देन वाला है वो आर के थ्रू होता था तो ये हम पी के थ्रू सॉल्व करेंगे सही कैलकुलेटर में हम पी लिख के टू रख देंगे हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सही बेटा उस प्रोबेबिलिटी को हम टू थाउजेंड से क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे जब हम उस प्रोबेबिलिटी को 2000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स आ जाएंगे अगर उसने प्रोबेबिलिटी बोला है तो जो कैलकुलेटर ने टू पे रख के आंसर दिया है वो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा पर अगर उसने बोला है नंबर ऑफ बल्बस तो फिर हम बेटा पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जो भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर देता है जेड की टू की वैल्यू में जो भी परसेंटेज देता है उसको हम टू थाउजेंड से क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे अगर ये ग्रेटर देन होता तो फिर मैं बेटा आर के थ्रू सॉल्व करता और अगर बिटवीन होता तो फिर मैं क्यूँ के टू सॉल्व करता है क्लियर बेटा ये चीज क्वेश्चन नंबर 7 7 में उसने बोला है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन म्यू माइनस 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन तो बेटा म्यू माइनस 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन के पीछे लिखा होता है ना वो बेसिकली क्या होता है z तो ये एक z की वैल्यू है और ये दूसरे z की वैल्यू है एक z की वैल्यू क्या है बेटा माइनस थ्री पॉइंट फाइव और एक z की वैल्यू क्या है बेटा वन तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों z के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है तो बिटवीन का सवाल हो गया फ्रॉम माइनस थ्री पॉइंट फाइव टू वन सही है थ्री पॉइंट फाइव टू वन ये z की वैल्यूज़ हो गई ठीक है बेटा थ्री पॉइंट फाइव माइनस वाला सही है तो अब हम किसके थ्रू सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में क्यू के थ्रू हम सॉल्व कर देंगे यानी कैलकुलेटर में हम बेटा क्यू ऑन करेंगे यहाँ लिखेंगे माइनस थ्री पॉइंट फाइव एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो दोनों के एरिया को क्या करेंगे प्लस अगर दोनों नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों तो दोनों के एरिया को माइनस करते हैं अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है दोनों के एरिया को क्या करेंगे प्लस तो बेसिकली ऐसे सवालों में जो स्टैंडर्ड एविएशन के पीछे लिखा हुआ होता है यानी जो स्टैंडर्ड एवियशन का कोफिशंट होता है वो क्या कहलाता है जेड कहलाता है वहां से आप जेड की वैल्यूज पिक करो बिटवीन है अगर दो चीजें गिवन है तो बिटवीन का सवाल हो गया क्यों के थ्रू हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर एक माइनस है एक प्लस है तो दोनों के एरियाज को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर एट

अब सवाल में बेटा z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा z स्कोर दिया हुआ है पॉइंट फोर एक्स हमें फाइंड आउट करना है मीन हमारे पास कितना है 16 और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 3 तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 कैलकुलेटर में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा कैलकुलेटर में हमें पुट करना आता है शेप कैलकुलेट इक्वल टू के सॉल्व कर लेंगे या मैनुअली सॉल्व कर लेंगे थ्री डिवाइड हो रहा है यह, यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस सिक्सटीन यहां के प्लस हो जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स का देन क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन इन अ फ्लोर मिल द बैग्स ऑफ फ्लोर हैज मीन वेट ऑफ फाइव पॉइंट जीरो फाइव के जी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जीरो पॉइंट ज़ीरो टू के जी एफ अ बैग इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम वॉट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज इट्स वेट इज़ बिलो फाइव के जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सही है ये इस तरीके का सवाल आता है बेटा सबसे पहले तो उसने मीन वेट दिया हुआ है फ़ाइव पॉइंट जीरो फाइव स्टैंडर्ड एविएशन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू और रिक्वायरमेंट में बोला है बिलो फाइव के जी यानी लेस देन फाइव है एक्स सिंपली निकालेंगे और कैलकुलेटर के थ्रू प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे हमारे पास सही बेटा तो हम सवाल पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन सवाल में मीन गिवेन है फाइव पॉइंट जीरो फाइव देन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना है जीरो पॉइंट जीरो टू और रिक्वायरमेंट में उसने बोला है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि एक्स शुड बी लेस देन फाइव आई थिंक यस लेस देन फाइव इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो तो भाई सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे जेड फाइंड आउट कर लेंगे तो जेड हम फाइंड आउट कर लेंगे बेटा जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू अपने पास है फाइव माइनस म्यू की वैल्यू फाइव पॉइंट ज़ीरो फाइव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ जीरो पॉइंट जीरो टू सही बेटा तो z की वैल्यू आ जाएगी अब z की वैल्यू माइनस में आए प्लस में आए खैर इसमें तो माइनस में आएगी वैल्यू z की कुछ भी वैल्यूज जा आ जाए बेटा कोई तो फर्क नहीं पड़ता साइन कौन सी है लेस देन की है लेस देन की साइन है तो हम किसके थ्रू सॉल्व करेंगे जो भी z की वैल्यू आए बेटा Z की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी खैर जो भी वैल्यू आए हम किसके थ्रू सॉल्व करेंगे P के थ्रू सॉल्व करेंगे P में ये Z की वैल्यू रखेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा क्योंकि रिक्वायरमेंट किसकी है लेस देन की है ठीक है बेटा तो जो भी Z की वैल्यूज आए आप इस कैलकुलेटर में पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन एन अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट मेक्स रेंडम गैस फॉर टेन ट्रू फॉल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन करेक्ट बायोमियल एम सी क्यू सवाल बाइनोमियल ट्रू एंड फॉल्स है तो इसका मतलब पी की वैल्यू भी फिफ्टी परसेंट और क्यू की वैल्यू भी फिफ्टी परसेंट यानी करेक्ट और रॉन्ग का होता है बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन करेक्ट आंसर टोटल टेन क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन एन की वैल्यू क्या हो गई टेन एटलीस्ट वन करेक्ट आंसर तो इसका मतलब वन से लेकर टेन तक ठीक है बात करेक्ट की हो रही है तो पी आएगा करेक्ट का सही ट्रू एंड फॉल्स है तो इसका मतलब 50 परसेंट चांसेस है कि करेक्ट होगा 50 परसेंट चांसेस है कि फॉल्ट होगा फॉल्स होगा तो 0.5 एंड 0.5 पॉइंट बायनोमियल का सवाल है फॉर्मूले में पुट कर देना एन सी एक्स इंटू पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स समीशन में लिमिट लगा देना वन से लेकर टेन तक की ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर इलेवन ड्यूरिंग पीक सेंटर रिसीव फोर कॉल्स पर थर्टी मिनट्स वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री और मोर कॉल्स इन एन आर तो बेटा फोर कॉल्स पर थर्टी मिनट्स हैं और रिक्वायरमेंट वन आर की है तो अगर तीस मिनट में चार कॉल्स हो रही हैं तो एक आर में कॉल्स कितनी होंगी एट क्यों होंगी क्योंकि बेटा पॉइन डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा इवेंट है जो एवरेज है हमारा वो कांस्टेंट रेट पे चलता है तो अगर 30 मिनट पे चार है तो वन आवर में कितनी हो जाएगी एट तो मीन की वैल्यू तो एट हो गई क्वेश्चन नंबर एलेवन पे कैसे एट हो गई सर फोर डिवाइडेड बाय थर्टी मिनट्स और वन आर में सिक्सटी मिनट्स होते हैं तो ये आ गया मीन एट ठीक है बेटा अब उसने क्या बोला है रिक्वायरमेंट में गेटिंग थ्री और मोर कॉल्स थ्री और मोर कॉल्स तो एक्स की वैल्यू थ्री से लेकर इन्फिनी तक चले गई तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट में जीरो से लेकर टू तक आ जाएगा फॉर्मूले में पुट कर देंगे पुट कर देते हैं एक और बार समेशन पहले तो वन माइनस कर देना लिमिट हमारे पास जीरो से लेकर कहाँ तक चल रही है टू तक ई पावर माइनस म्यू इनटू म्यू पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा बेटा क्लियर कोई मसला है इसमें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन अ टेस्ट देर आर ट्वेंटी क्वेश्चन एम सी क्यूज वाला सवाल अगेन बायनोमियल अप्लाई करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल क्वेश्चन आर एम सी क्यूज विथ फोर ऑप्शन वन ऑफ विच इज करेक्ट ऑब्वियसली बात है अगर चार ऑप्शन होंगे उसमें से एक ऑप्शन क्या होगा करेक्ट अगर ना भी लिखा हो तो रिज्यूम करना कि एक ऑप्शन क्या हो होगा करेक्ट होगा और तीन क्या होंगे रॉन्ग तो इसका मतलब करेक्ट की प्रोबेबिलिटी हो गई वन अपॉन फोर और रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी हो गई थ्री अपन फोर टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन है तो एन की वैल्यू क्या हो गई ट्वेंटी exactly ही सॉल्व ऑल क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट एक्जेक्टली फोर आर करेक्ट और रिक्वायरमेंट करेक्ट की है तो पी आएगा करेक्ट का तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई ट्वेंटी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या एग्जैक्टली फोर आर करेक्ट तो पी आएगा करेक्ट का विच इज वन अपॉन फोर क्यों सर पीछे वाले सवाल में तो आपने करेक्ट पे फिफ्टी परसेंट लिया था क्योंकि बेटा वो ट्रू एंड फॉल्स का सवाल था उसमें दो ही ऑप्शन थे या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा इसमें चार ऑप्शन है जिसमें से एक करेक्ट है तो वन अपॉन फोर इज करेक्ट एंड थ्री अपॉन फोर इज रॉन्ग बाइनोमियल के फॉर्मले में पुट कर देना एन सी एक्स इंटू पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स क्लियर बेटा ये चीज़ ठीक है तो ये ट्वेल्व क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो मुझे लगते थे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें सारी चीज़ें ही कवर हो गई पॉइजोन के भी सवाल हमने देखे नॉर्मल के भी सवाल देखे और बाइनोमियल के भी सवाल देखे सही है लास्ट वीडियोज़ में हमने प्रोबेबिलिटी देखा था उसमें भी हमने कंप्लीट चेक किया उससे पहले वीडियो में हमने काउंटिंग टेक्निक देखा था उसमें भी हमने सवाल दस बारह दस बारह सवाल हैं पर हमने पूरा चैप्टर उस दस बारह सवाल में कवर हो जाता है सारे टॉपिक्स तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे बेटा वो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी इधर सही है उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी इनशाला और आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो ये दुआए मेरी तो बेस्ट ऑफ लक बेटा सही है तो इन जिंदगी रही तो कहीं कही ना कहीं मुलाकात होगी